नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टूडेंट एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नर्सिंग एंट्रेंस की परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है 2022 का, और आज हम 2022 का नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, एमपी में अभी नर्सिंग का एग्जाम नहीं हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है पीएनएसटी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ नर्सिंग एंट्रेंस के क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ, और इन क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि नर्सिंग एंट्रेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2022 का पेपर अभी एमपी में होना है नर्सिंग एंट्रेंस का। चलिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मानव भ्रूण में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है गिल्स, गिल छिद्र, बाह्य कर्ण, भौंहें। ऑप्शन यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों गिल स्लिट्स, गिल छिद्र। मानव भ्रूण में प्रारंभिक अवस्था में गिल छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब म्यूकोसा किसमें सबसे मोटा होता है। सब म्यूकोसा किसमें सबसे मोटा होता है दोस्तों? यहाँ पर चार ऑप्शन है, आमाशय, ग्रास नली, आंत्र मलाशय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग्रास नली, ग्रास नली, ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम कशेरुका है, प्रथम कशेरुका है, प्रथम कशेरुका है। चार ऑप्शन है, एक्सिस, एटलस, थोरेसिक, लंबर। सही आंसर होगा इसका एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस सदस्य किसका सदस्य? पाइनस बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पाइनस जो होता है वह अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का सदस्य होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्णांध पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह करता है जिसका पिता वर्णांध है, इनकी संतानों का जीन प्ररूप होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, जीन से क्वेश्चन लिया गया है। जीन जो टॉपिक है बहुत आईएमपी टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोस्तों टॉपिक्स को नोट करिएगा किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा 50% पुत्रियाँ वर्णांध, या 50% डॉटर्स कलर ब्लाइंड होने की संभावना रहेगी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एलेंडोइड्स किस भ्रूणीय भाग से विकसित होता है? एलेंडोइड्स किस भ्रूणीय भाग से विकसित होता है? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, अंगांत्र, मध्य आंत्र, पश्चांत्र, पुष्च आंत्र, पुष्च भाग। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पश्चांत्र, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भ्रूणीय संयोजी ऊतक किससे उत्पन्न होता है? देखिए ऑप्शन है मीसोग्लिया, मीसेनकाय, मीसोडर्म। सही आंसर होगा मीसोडर्म, मीसोडर्म तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि तीन सारक मिलकर एक ट्रिपलेट कोडोन बनाते हैं तो ऐसे कोडोन से 20 आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए कुल कितने कोडोन्स बनेंगे? कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 64। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकर है, म्यूकर क्या है? एक म्यूकर एक कवक है, म्यूकर इज अ फंजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रैकीय समूह में है? ट्रैकीय समूह में कौन है? देखिए ट्रैकीय समूह में यहाँ पर दोस्तों खटमल, सैंड फ्लाई, रेशम कीट आ जाएगा, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉलिब्डेनम का अर्थ क्या है? मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का अर्थ होता है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चलिए आ गया यहाँ पर एमपी वाला क्वेश्चन, एमपी में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कॉलीफॉर्म सिरका, कॉलीफॉर्म सिरका एक गलत सुमेलित है, रॉन्ग मेल्ड है, बाकी तीन सही मेल खा रहे हैं, राइटली पेयर है। मीथेनोजेन गोबर गैस, ठीक है, मीथेन मतलब गोबर गैस से मिलती है, ईस्ट एथेनॉल, ठीक है, यह भी सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस प्रतिजैविक, यह भी सही है। नेक्स्ट, हृदय का हृदय कहलाता है, क्या कहलाता है? एस ए नोड, एस ए नोड, हृदय का हृदय कहलाता है एस ए नोड।
ठीक है। नोड आपने हर्ट में पढ़ा होगा, ऐसे नोड, ए बी नोड। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोशिका का जो सिद्धांत है, स्लीडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लीडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अपने देश में गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वह है, क्रेब्स चक्र के प्रथम चरण में किस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोएस्टिक अम्ल के साथ, ऑक्सैलेटिक अम्ल के साथ एसिटिल को एंजाइम ए का संघनन होता है? दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा साइट्रेट सिंथेटेज, साइट्रेज सिंथेटेज, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएडीपी है, एनएडीपी क्या है? एनएडीपी, एनएडीपी है यहाँ पर क्या है? एक को एंजाइम, चार ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आरएनए, डीएनए का भाग, एक एंजाइम, एक को एंजाइम है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात है, क्या होता है संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात? 1:2:1। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाए। 400 शुक्राणुओं के बनने के लिए कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? सेवन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 100, 200, 40, 400। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, बीज, फल, भ्रूण, बीजपत्र। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बीज, ठीक है। विच वन इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओव्यूल, सीड बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सारे पुराने क्वेश्चन पेपर आप तक आसानी से पहुंचा दें एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।